नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे क्राफ्ट किए हुए अडेनियम दूसरे प्लांट में अब फ्लावर खिला है। देखिए यहाँ पे ये डबल पेटल वाला है, अभी पूरी तरह से नहीं खिला, बस आधा फ्लावर खिला हुआ है। और कितना प्यारा सा कलर इसमें भी निकला है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट बताऊँगा जो आप दिसंबर में कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो वैसे ही बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग प्लांट आपको बताऊंगा जो आप अभी कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो, जिसमें नंबर वन पर हमने लिया है विनका प्लांट के देसी या हाइब्रिड कोई भी वैरायटी को आप इस टाइम कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। और इसके प्लांट को तो आप सीड्स के द्वारा भी तैयार कर सकते हो। तो इस प्लांट की छोटी सी कटिंग लेके आप देखिए 3 इंच की कटिंग लेके नीचे वाली पत्तियाँ है उसको रिमूव करके आप रिवर्स एंड में लगा दीजिए, तो इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती और 100% सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलता है। तो सेकंड नंबर पर हमने लिया है अल्मांडा। ये अल्मांडा बुश है, इस प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। और इस प्लांट की भी कोई भी कटिंग लेके आप इस टाइम लगा दीजिए तो इसकी कटिंग लग जाती हो और बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है। इसकी पत्तियाँ भी एकदम चमकदार रहती है और इसमें फ्लावर भी येलो कलर के आते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट को भी इस टाइम आप दिसंबर में कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो, तो ये आसानी से कटिंग से लग जाता है प्लांट। और इसको लगाने के लिए भी आप गार्डन सॉइल का इस्तेमाल कीजिए, या तो नॉर्मल गार्डन सॉइल और रिवर्स सैंड दोनों आधा आधा मिक्स करके इसकी कटिंग लगाइए। नेक्स्ट हमने लिया है जेट्रोफा प्लांट। जेट्रोफा प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। इस प्लांट की भी कटिंग लेके आप ऊपर वाली टिप वाली ले रहे हो तो टिप वाली, और थोड़ी मोटी ले रहे हो नीचे के एरिया वाली तो भी ये बार ऐसी कटिंग आप ले रहे हो तो लेके आप इसको गार्डन सॉइल में लगा दीजिए। उसमें खाद मत मिलाइए, कोई भी कटिंग आप जब भी लगाओ तो उसमें खाद मत मिलाइए, खाली गार्डन सॉइल लेके आप उसको लगा दीजिए और शेड वाली जगह पे रखिए जहाँ इसको धूप ना लगे, तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट हमने लिया है कनेर प्लांट। कनेर प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हो, कनेर भी आसानी से कटिंग से लग जाती है। और ये डबल पेटल वाली कनेर है, दिखे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा फ्लावर लग रहा है एकदम रोज़ की तरह। तो कनेर प्लांट की कटिंग भी आप देखिए इस तरह की कटिंग लेके आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए, और कटिंग लगाते समय इसकी जो पत्तियां है वो रिमूव कर दीजिए और खाद मत डालिए मिट्टी में, तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। और इसकी कटिंग में आप एलोवेरा जेल आता है, जो एलोवेरा की पत्ती में जो जेल निकलता है वो जेल लगा दीजिए तो इसकी कटिंग 100% सक्सेसफुल ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट हमने इसके बाद लिया है हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो और इसकी कटिंग भी लगाना आसान है। इसकी टिप वाली कटिंग आप ले रहे हो तो आप टिप वाली कटिंग को रिवर्स एंड में लगाए, और थोड़ी मोटी वाली कटिंग ले रहे हो तो नॉर्मल गार्डन सॉइल में इसकी कटिंग लगाए, और कटिंग लगा के इसको छाया वाली जगह पर रखिए और इसमें खाद मत मिलाए मिट्टी में, तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी और 100% इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट हमने इसके बाद लिया है ये नाग चंपा और चंपा की कोई भी वैरायटी हो उसको आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। ये मैंने कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट है, मैंने काफ़ी सारे प्लांट तैयार किए कटिंग से, तो इसकी कटिंग आप ले लीजिए। तो कोई सी भी कटिंग लेके आप इसको 1-2 दिन छाया में सूखने दीजिए, उसके बाद आप रिवर्स एंड में लगा दीजिए इसकी कटिंग, तो इसकी कटिंग एक भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी। या चाहे तो आप जिसके पुराने प्लांट आपके जो लगे हो गमले में उनके साथ में ही लगा दीजिए तो भी इसकी कटिंग लग जाती है, पर नई मिट्टी बना के लगा रहे हो तो इसको रिवर्स एंड में ही कटिंग इसकी लगाए, क्योंकि ये जब खाद की मात्रा इसमें मिलती है मिट्टी में नई मिट्टी में तो इसकी कटिंग को फंगस लग के ख़राब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है मैरीगोल्ड प्लांट। मैरीगोल्ड को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो उसकी कटिंग लेके आप रिवर्स एंड में लगा दीजिए, 1 हफ्ते में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद आप नए प्लांट तैयार हो जाए उसको रिपोर्ट करके अलग गमले में लगा दीजिए। तो मैरीगोल्ड प्लांट को भी आप इस टाइम सर्दियों में दिसंबर में कटिंग में लगा सकते हो, तो इसकी कटिंग रिवर्स एंड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है और 1 हफ्ते में इसमें से नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने इसके बाद लिया है ये मैक्सिकन पिटोनिया को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो, और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है। मैक्सिकन पिटोनिया में ड्रॉप वाली हो या लॉन्ग वाली कोई भी वैरायटी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। इसकी कटिंग लेके आप नॉर्मल गार्डन सॉइल हो या फिर रिवर्स एंड किसी में भी आप लगा दीजिए तो इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। नेक्स्ट हमने इसके बाद लिया है ये मदर ऑफ थाउजेंड, जिसे हज़ारों की माँ बोलते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हो, और इसके जो भी प्लांट छोटे छोटे ये देखिए ऐसे निकलते हैं उससे भी नए प्लांट तैयार कर सकते हो। इसकी कटिंग लेके आप
नॉर्मल गार्डन सॉइल और रिवर सैंड दोनों मिक्स करके लगा दीजिए। तो ये मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है, क्योंकि इसका जो मदर प्लांट था वो ख़राब हो गया था, तो उसको कट करके मैंने कटिंग लगाई थी। तो देखिए अब मेरा प्लांट तैयार हो गया है। तो देखिए यहाँ से गमले में भी इसके प्लांट गिर गिर के इतने सारे प्लांट हो गए मेरे गार्डन में कि पूरे गार्डन में ढेरों प्लांट हो गए इसके। तो नेक्स्ट हमने इसके बाद लिया है बोगनविलिया प्लांट। बोगनविलिया को भी आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हो और ये भी कटिंग से लग जाता है। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आप पेंसिल साइज़ की कटिंग लेके इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दीजिए तो इसकी कटिंग लग जाती है। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है, एक बार अपने गार्डन में आप ऐड कर दोगे तो सालों साल टिका रहेगा। और इसकी कटिंग भी कभी फेल नहीं होती। इसकी कटिंग में आप एलोवेरा जेल में टिप करके लगाइए तो इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। इसको पानी में भी आप लगा सकते हो और मिट्टी में भी लगा सकते हो। पानी में रखने के बाद इसमें रूट्स आ जाए उसके बाद आप मिट्टी में लगा दीजिए। नेक्स्ट हमने लिया विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट, ये देखिए कलांचो। इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हो। इसकी कटिंग भी लगाने के लिए आप रिवर सैंड का इस्तेमाल कीजिए और उसमें कटिंग लगा दीजिए तो इसकी कटिंग भी लग जाती है। मैंने भी लगाई है और मेरी कटिंग लग गई है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ मेरी कटिंग जो मैंने लगभग 8-10 दिन पहले लगाई थी और दोनों कटिंग मेरी लग गई है। क्योंकि हमें कैसे पता चलता है कटिंग लगाई तो इसकी पत्तियाँ क्या है कि देखिए इस तरह से, पहले जब प्लांट ख़राब होता है तो पत्तियाँ दबने लगती है और जब कड़क हो जाए तो समझ लो कि आपकी कटिंग लग गई है। नेक्स्ट हमने इसके बाद लिया है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी आप तैयार कर सकते हो, इसके जो रनर्स निकलते हैं इस तरह के, इसको लेके आप रिवर सैंड में अलग से लगा दीजिए तो इसमें से ढेर सारे नए प्लांट हो जाते हैं। मैंने इस तरह से ढेरों प्लांट कर दिए अपने गार्डन में, आप जहाँ देखो वहाँ यही प्लांट है। यह स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट को भी आप कटे एक सिंगल पत्ती से तैयार कर सकते हो। ये देखिए यहाँ मैंने पत्ती लगाई थी और इसमें से नया प्लांट निकल के आया है। तो स्नेक प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। यहाँ पे जेड प्लांट है तो जेड प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हो। इसकी भी कटिंग लगाने आसान है, इस पर छोटी छोटी कटिंग लेके आप उसी गमले में रख दीजिए या रिवर सैंड लेके और नॉर्मल गार्डन सॉइल मिक्स करके इस कटिंग लगा दीजिए तो इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पेडिलेंथस से जिससे डेविल बैकबोन बोलते हैं, ये वेरिएटेड वाली वेराइटी है। इसको भी और जो ग्रीन वाली आती है वेराइटी, दोनों को आप कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। और इसकी कटिंग आप जब लगाओ तो इसको एक दो दिन छाया में रख के इसका जब लिक्विड निकलना वाइट बंद हो जाए उसके बाद लगा दीजिए तो इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। तो मैंने जितने भी प्लांट बताए वो सब प्लांट आप कटिंग के द्वारा अभी दिसंबर में तैयार कर सकते हो। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और कटिंग लगाते समय आप खाद का इस्तेमाल मत कीजिए तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।